हिंदी कक्षा 8 इकाई 2 ईदगाह, जिनके लेखक है श्री प्रेमचंद। हमने देखा कि हामिद ने कैसे अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदा और क्यों खरीदा, उसके पास पैसों की कमी होने के बावजूद भी उसने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा और ईद के मेले में से नानी के लिए चिमटा खरीदा। और ये कहानी हमने देख ली, समझ ली और जान ली। साथ ही साथ हमने अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी कर लिए हैं। आज अभी हम स्वाध्याय की शुरुआत करेंगे। स्वाध्याय का पहला प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, उसमें पहला प्रश्न, रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? रोजे के दिन मुसलमान सुबह जल्दी उठ जाते हैं और दिन निकलने से पहले थोड़ा खाना खा लेते हैं। दिन निकलने के बाद रात होने तक वे कुछ नहीं खाते, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीते, और अगर गले में थूक आए तो वो भी बाहर फेंक देते हैं। साथ में वह अल्लाह ताला की इबादत भी करते हैं, मस्जिद जाते हैं और नमाज पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग मस्जिद जाते हैं, ईदगाह जाते हैं और वहाँ नमाज पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? दुकानों में बहुत सारे खिलौने मिल रहे थे जो दिल को छू जाए और खेलने का मन करे, ऐसे बहुत सारे खिलौने वहाँ पे थे, जैसे सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन, बहुत सारे चित्ताकर्षक खिलौने दुकानों में मिल रहे थे। स्वाध्याय का दूसरा प्रश्न है, पेंसिल में लिखित शब्दों के समानार्थी और विरोधी शब्द लिखिए। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उन सभी शब्दों के समानार्थी और विरोधी शब्द लिखने हैं। इस प्रकार जवाब लिखेंगे हम। शब्द है शीतल, उसका समानार्थी शब्द है ठंडा और विरोधी शब्द है गर्म। प्रसन्न का समानार्थी शब्द है खुश और विरोधी शब्द है खिन्न। गरीब का समानार्थी शब्द है दीन और विरोधी शब्द है अमीर। अंधकार का समानार्थी शब्द है अंधेरा और विरोधी शब्द है उजाला। स्नेह का समानार्थी शब्द प्रेम है और विलोम शब्द नफरत है। पुरानी का समानार्थी प्राचीन और विलोम शब्द है नई। इस कार्य से कई लोग जो गलती करते हैं, जो भी पूछा जाए परीक्षा में शब्द एक ही लिखते हैं, उनको पता चल जाएगा समानार्थी शब्द में शब्दों का अर्थ समान होता है।
जैसे शीतल माने ठंडा और ठंडा माने शीतल। और विरोधी शब्द में शब्दों के अर्थ एक दूसरे से भिन्न होते हैं। शीतल माने ठंडा और गर्म माने जो हाथ जल जाए ऐसा गर्म। शीतल वस्तु को हम हाथ में ले सकते हैं जबकि गर्म वस्तु को हम छू भी नहीं सकते। इस तरह से विरोधी और समानार्थी शब्द के अर्थ याद रखकर हमको लिखने हैं। तीसरा प्रश्न है मुहावरों का अर्थ देकर उनका वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है बेड़ा पार लगाना, इसका अर्थ है संकट से बचाना। जब कोई हमें संकट से बचाता है तो उसने हमारा बेड़ा पार लगा दिया है ऐसा कहते हैं। वाक्य इस प्रकार बनता है, भगवान ही सबका बेड़ा पार लगाता है। दूसरा है बाल बांका न होना, मतलब जरा भी नुकसान न होना। वाक्य, डाकुओं की गोलियों से पुलिस वालों का बाल भी बांका न हुआ। तीसरा छाती पीट लेना माने दुख प्रकट करना। वाक्य, हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना ने अपनी छाती पीट ली। चौथा दिल चीरना माने बहुत दुख पहुंचना। राम को बहुत नुकसान होने से उनका दिल चीर गया माने राम को बहुत दुख पहुंचा। स्वाध्याय का प्रश्न चार है, रूपरेखा के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए। एक नगर में दो स्त्रियां, एक ही बालक के लिए दावेदार, आपस में तकरार, मामला न्यायाधीश के समक्ष, दोनों की बातें सुनना, न्याय करना, बालक के दो टुकड़े करके बांट लो, एक स्त्री मौन, दूसरी का रोना, बच्चे को न काटो, उसे ही दे दो। न्यायाधीश का फैसला, रोती हुई स्त्री को बालक सौंपना। शीर्षक, यह बहुत जानी पहचानी कहानी है, हम उसे लिखते हैं। शीर्षक ममता की जीत ऐसा रख सकते हैं। रामपुर नाम का एक नगर था, वहाँ सविता नाम की एक औरत अपने परिवार के साथ रहती थी। यहाँ पे आप नाम अपने तरीके से रख सकते हैं, कोई भी नाम गांव का या स्त्रियों का ले सकते हैं। वो शांत स्वभाव की औरत थी और उसके पड़ोस में अनामिका नाम की एक औरत रहती थी, पर बहुत झगड़ालू और चालाक थी। सविता का एक बेटा था। एक बार सविता ने अपने बच्चों को घर में अकेला छोड़कर बाहर गई। मौका पाकर अनामिका ने अपने पालने में से बच्चे को उठाकर ले गई और फिर वह बाहर चल गई। जब सविता वापस आई और अपने बच्चे को न पाया और वह बहुत घबराई और रोने लगी। उसे पता चल गया कि उसकी पड़ोसन अनामिका ने उसका बच्चा चोरी कर लिया है। किसी तरह उसने अनामिका का पता लगाया और उसके
पास जाकर अपना बच्चा मांगने लगी। तब उसने कहा, यह मेरा बेटा है, मैं न दूंगी, जो चाहे वो कर ले। दोनों में खूब झगड़ा हुआ। तब लोगों ने उन्हें न्यायालय में जाकर न्याय मांगने को कहा। आखिरी दोनों स्त्रियां न्यायाधीश के पास पहुंची। बच्चों पर दोनों का एक साथ दावा देखकर अपने कर्मचारी को आदेश दिया, इस बच्चे को दो बराबर हिस्सों में बांट दो। न्यायाधीश का फैसला सुनकर अनामिका चुप रह गई, पर सविता रोकर कहने लगी, न्यायाधीश जी, आप बच्चे को काटो मत, चाहे तो उसे ही सौंप दीजिए, इस तरह मेरा बेटा जीवित तो रहेगा। न्यायाधीश फौरन समझ गया कि दोनों में सच्ची माँ कौन है। इसी तरह सविता को उसका बच्चा सौंप दिया और अनामिका को सजा का हुक्म दिया। यहाँ पे हमको सीख मिलती है, सत्य की जीत होती है। और शीर्षक हमने रखा है, ममता की जीत। स्वाध्याय का प्रश्न 5। निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। कहानी यहाँ पे दी गई है वह अपूर्ण है, उस कहानी को पूर्ण करना है। मौसम में ठंडक बढ़ने लगी थी। माँ सोचने लगी कि इस साल ढेर सारे स्वेटर बनाकर बेचने हैं, जिससे अंकित की 10वीं कक्षा की फीस और पढ़ाई का खर्च निकाला जा सके। अंकित के पापा नहीं थे, एक बड़ी बहन थी। अंकित अपने घर में समृद्धि लाने के लिए प्रतिदिन सोचता रहता है। अब इस कहानी को हम अपने तरीके से आगे बढ़ाएंगे। मैंने जो कहानी यहाँ पे लिखी है वही आपको नहीं लिखनी है, आप अपने तरीके से अपने विचारों से यह कहानी आगे बढ़ाएंगे। एक दिन अंकित स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि एक आदमी अपनी गाड़ी से आ रहा है। अचानक से क्या हुआ वह पता नहीं चला, लेकिन गाड़ी जोर से एक पैर से टकरा गई और अंदर जो आदमी बैठा था वह लहूलुहान हो गया। अंकित दौड़ा, उस आदमी को बाहर निकाला और किसी बैलगाड़ी वाले को रोक के उस आदमी को अस्पताल ले गया। जब आदमी को होश आया तो उसने पाया कि वह एक अस्पताल में है और स्वस्थ है। डॉक्टरों से बात करने पर पता चला कि एक लड़का उनको यहाँ लेकर आया है। उस आदमी का नाम सेठ बंसीलाल था। जब अस्पताल से बाहर आए तो अंकित वहीं बैठा था और सेठ को स्वस्थ देखकर खुश हो गया। तब सेठ ने कहा, बेटे तुम कौन हो? अंकित ने अपना परिचय दिया और कहा, मैं यहीं रहता हूँ और स्कूल में पढ़ता हूँ। सेठ ने अंकित को कुछ रुपए देने चाहे, लेकिन अंकित ने रुपए लेने से इनकार कर दिया और कहा कि सेठ जी, यह तो मेरा कर्तव्य था, किसी मुसीबत में पड़े इंसान की मदद करना। सेठ बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तब अंकित ने अपने घर की परिस्थिति का वर्णन किया और कहा, अगर आप मुझे कोई छोटा मोटा काम दे सके तो बहुत अच्छा होगा। तब सेठ ने कहा, ठीक है, तुम कल शाम मेरे
घर आ जाओ, और अपना पता बता दिया। दूसरे दिन शाम को अंकित उनके घर गया। सेठ ने अपना बगीचा दिखाया और कहा, इस बगीचे की अब तुम्हारी जिम्मेवारी है, इस बगीचे को अच्छा सा तुम ही रखोगे। इस तरह सेठ ने अंकित को काम दिया और उसके बदले में सेठ अंकित के पढ़ाई की सारी किताबें और फीस भरने लगे। इस तरह अंकित पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन गया। इस तरह से कुछ हम ये कहानी आगे बढ़ा सकते हैं। आप अपने विचारों से भी अलग तरीके से ये कहानी आगे बढ़ा सकते हैं। अभ्यास से पहले और भी मुहावरे दिए गए हैं। इन मुहावरों का भी आपको वाक्य में प्रयोग करना है। जितने मुहावरे अभी तीसरे प्रश्न में आ गए वो भी लिखने हैं, और जितने यहाँ पे नहीं हैं, जितने यहाँ पे नए हैं वो भी आपको लिखने हैं।